प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान भाग 1 के बारे में सीखेंगे। उसका अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम लोग इस पाठ में क्या क्या सीखने वाले हैं एक नजर हम उस पर डाल लेते हैं। इस पाठ में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के लेखन के नियम, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये चार टॉपिक इस पाठ में हमें पढ़ना है, जिसमें हम इस वीडियो में आज रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के लेखन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। शेष रासायनिक समीकरण संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? केमिकल रिएक्शन। अठारहवीं और 19वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में मूलभूत प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों से ऐसा सिद्ध किया कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य का संगठन परिवर्तित होता है। वह ये परिवर्तन अस्थायी स्वरूप का होता है। इसके विपरीत भौतिक परिवर्तन के समय केवल द्रव्य की अवस्था या रूप बदलता है और ये परिवर्तन अधिकांशतः अस्थायी स्वरूप का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने इसके पहली कक्षा में अस्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन के बारे में सीखा है। अस्थायी परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस अर्थात भौतिक परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम पुनरावर्तन कर लेते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। ये जो चेंजेस होते हैं बच्चों, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको बताएंगे। ये देखिए फिजिकल चेंज है, ऑब्जेक्ट रिमेंस बट मे बी इन ए डिफरेंट स्टेट। जैसे पेंसिल देख रहे हैं, पेंसिल टूट के दो टुकड़े में हो जाती है, लेकिन उसका जो आकार है, आकृति है, वो बदलती नहीं है, वैसे की वैसे ही रहती है, तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे बटर है, बटर मेल्ट करने पर पानी जैसा हो जाता है, लेकिन वो ठंडा करने पर फिर बटर का ही रूप धारण कर लेता है। माने कहने का अर्थ है फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो अपनी पहली अवस्था में आ जाए और उसका कुछ रंग रूप बदले न। जैसे पानी है, भाप बन के उड़ जाता है, वो उड़ता है, तो फिर भाप को अगर हम ठंडा करते हैं तो पानी में बदल जाता है। बर्फ है, वो पिघलता है, लेकिन वो फिर ठंडा कर देने से फिर बर्फ का रूप धारण कर लेता है। ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज, इसमें जो ऑब्जेक्ट है हैज न्यू प्रॉपर्टीज, नए गुणधर्म हो जाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो बदली करता, चेंज होता है, तो वो नया गुणधर्म उसका धारण कर लेता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आपने जला दिया,
तो जलाने के बाद वो ऐश राख बन जाती है। अब लकड़ी और राख, राख से हम पूरा लकड़ी नहीं बना सकते हैं इस ऐसे प्रकार के चेंजेस को, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज गुणधर्म ही बदल जाते हैं। तो जब गुणधर्म बदल जाते हैं, नए पदार्थ बन जाते हैं, लकड़ी से राख बन गया, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए खाना पकाया जा रहा है, तो जब इसको पका दिया, ये दूसरी अवस्था, इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। यहाँ पर एक देखा जा रहा है अंडा है, अंडा को आप फ्राई कर दो, फोड़ दो, तो फूटे हुए अंडे से फिर आप जो होता है आमलेट बना दिया, तो आमलेट से फिर आप कितना भी ट्राई कर लो अंडा बना ले तो नहीं बन सकता, उसका माने प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो जो जिसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है वो फिजिकल चेंज कहलाता है, और जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो केमिकल चेंज कहलाता। कुछ उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप कोई भी पदार्थ है उस पर दाब डाल रहे हैं, तो उसकी आकृति और आकार जो होता है वो बदल रहा है, लेकिन जैसे ही आप दाब छोड़ देते हैं, बल लगाना छोड़ देते हैं, वो अपनी पहली स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम बच्चों फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये देखिए बर्फ का उदाहरण है, यदि फिजिकल चेंज आर वाटर इनटू आइस, वाटर जब आइस में बदलता है और आइस को वाटर जो होता है आइस में बदलता है ठंडा करने पर, और फिर हम उसको गर्म कर देते हैं तो फिर वाटर में बदल जाता है, ये भी फिजिकल चेंज है। आइस मेल्ट हो गया या कॉपर जो होता है मेल्ट हो गया, इस स्थिति में आ गया, उसको फिर हम गर्माएंगे तो दूसरी स्थिति में आ सकता है। इस प्रकार के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ये मोमबत्ती है, आप जलाते हैं तो पिघलती है, पिघलने के बाद फिर ठंडा होता है, तो फिर हम उससे मोमबत्ती बना के जला सकते हैं। ये फल है, टाइम टाइम से पेड़ों में आता है, गिरता है। तो बच्चों इस प्रकार के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, माने जिसकी प्रॉपर्टी बदलती नहीं है, माने उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो पदार्थ बदली हो रहा है, बदलने के बाद भी वह अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, ऐसे चेंजेस को हम भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस कहते हैं। आगे चलते हैं, हम दूसरा उदाहरण हम रासायनिक परिवर्तन दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये बीकर में कलर था, उसमें दूसरा कुछ डाल दिया केमिकल, बीकर की कलर का रंग बदल गया। अब इसको आप कहें कि रंग को जैसे लाल कलर में था फिर से ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ही बदल गई। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, बदल गई। यहाँ भी उदाहरण आपको दिख रहा है, कुछ सोल्यूशन डालने पर जो बोतल में पानी था वो सबके रंग बदल गए। यहाँ भी आप उसी को देख रहे हैं, ये कलर इसका धीरे 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 बदली हो रहा है। ये लाल कलर डाल दिए, देखे ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। माने जब क्रिया हुई, दो पदार्थों के बीच में जब क्रिया हो रही है, तो उसके रंग रूप आकृति जो होते हैं सब बदल जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी भिन्न हो जा रही है, उसको हम पहली जैसी अवस्था में फिर से ला नहीं सकते हैं। तो ऐसे ये देखिए ये लोहा है, इसमें जंग लग जा रहा है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो हमने आपको चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में
प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी वही रहती है, उसको हम पुनः पहली स्थिति में ला सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेज में प्रॉपर्टी गुणधर्म बदल जाते हैं, हम उसको पहले जैसी अवस्था में फिर ला नहीं सकते हैं। ते हुआ जो चेंजेज होते हैं वो अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई को हम भौतिक परिवर्तन, अस्थाई को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे कुछ हम प्रश्न हैं, कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें आपको बताना है कि आपके भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों घटनाएं बहुत ही आसान है। पहली घटना है बर्फ का रूपांतरण पानी में। तो बर्फ को आप गर्म करेंगे तो पानी में बदल जाएगा, लेकिन पानी को आप फिर ठंडा करेंगे तो बर्फ में बदल जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है भोजन का पकना। भोजन जैसे चावल है, चावल पक करके, चावल को पका दिया, सब्जी को पका दिया, तो फिर अपनी पहली जैसी अवस्था है, चावल फिर नहीं बन सकता है, वो भात बन गया। भात फिर से आपको कि चावल के रूप में आ जाए तो नहीं आ सकता। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फल का पकना। फल अगर पक गया और आप उसको सोचो फिर वो कच्चा हो जाए तो नहीं हो सकता, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूध को रूपांतरण दही में होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। दूध से आप दही बना दिए, फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। पानी का रूपांतरण वाष्प में होना। पानी को आप गर्म करेंगे वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन वाष्प को आप ठंडा करेंगे फिर पानी में बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये तो हुआ रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जठर में अन्न का पाचन, ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। जठर में पेट में अन्न का पाचन होता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन। आगे है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होते हैं अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, अपकेंद्रीकरण। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या है बच्चों? अपने भोजन का पाचन, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। श्वसन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और दही का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है, हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है। अभिकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको हम अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद जो बन जाता है पदार्थ, उसको हम उत्पाद बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो उससे निर्माण हुआ पानी का,
तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण, वहां पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन था तो निकला क्या? पानी बना, H2O बना, तो H2O उत्पाद कहलाया। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों पदार्थ के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं, और उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है कि वो सॉलिड है, सॉलिड है तो एस से लिखते हैं, लिक्विड है तो एल से लिखते हैं, गैस है तो जी से लिखते हैं, जली विलयन है तो ए क्यू से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण बताया है, मैग्नीशियम जो होता है ये ऑक्सीजन में जब दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। Mg प्लस O2 ये दोनों अभिकारक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग कर रहा है तो उत्पाद बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब यहाँ पर इसको Mg जो है वो किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में, तो S से लिखते हैं। O2 क्या है? गैस अवस्था में है तो हम G लिखते हैं। और जो MgO बना मैग्नीशियम ऑक्साइड किस अवस्था में बना? सॉलिड अवस्था में बना, इसको हम S से लिखते हैं। इस प्रकार से हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको हम सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं? ये सूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग को दिखाया है, इससे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, उसका सिंबल है। और जब क्रिया हो जाती है तो ये जो अरो का निशान है इक्वल टू आप कह लीजिए, इसको बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड वो उत्पाद है, माने अभिकारक से के संयोग से उत्पाद बनता है। अभिकारकों के संयोग से जो होता है उत्पाद बनता है। इसी प्रकार से आप अगर कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ संयोग कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस कॉपर बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।